बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर शबाज, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 जो कि यूनिट 3 है और लॉज ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, आज का हमारा जो एसओलो है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आता है कि कैसे कोई हमारी एक एक्सप्रेशन दी गई है तो उसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं आज का हमारा एसओलो है क्या। आज का स्टूडेंट्स हमारा जो एसओलो है, बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस बाय अप्लाइंग बोर्ड मैथ रूल्स, दैट इज आवर एसओलो। बोर्ड मैथ रूल, जितने भी एक्सप्रेशन आपके हैं या नंबर्स को आप एट अ टाइम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड या कोई आपके ब्रैकेट्स होते हैं सॉल्व कर रहे होते हैं, तो सब जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं आप बोर्ड मैथ रूल के थ्रू ही क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चल के इसी एसओलो में जब हम अपने लेक्चर को देखते हैं आपको वाकई में ही बहुत ज़्यादा आज अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े नंबर जिनके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सारे आपके ऑपरेशन यूज हो रहे होते हैं, ब्रैकेट्स होती हैं, तो उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। बोर्ड मैथ स्टैंड फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि बोर्ड मैथ रूल है क्या, मतलब बी स्टैंड फॉर व्हाट, ओ एम ए एंड एस ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बोर्ड मैथ का बी है, फर्स्ट बी, दैट इज बार एंड ब्रैकेट। मैं आगे जाके आपको ये भी बताता हूँ कि बार एंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या आता है, आपने मेरे साथ रहना है। सेकेंड इज ओ, तो ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर, एंड ऑर्डर के अंदर आपका एक्सपोनेंट आ सकता है स्टूडेंट्स, आपका स्क्वायर या क्यूब आ सकता है। जैसे कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपका ए है या टू है, तो टू की पावर टू या टू की पावर थ्री, तो इस तरह आपका ऑर्डर है आपका। देन डी है, तो डी स्टैंड फॉर डिवीजन, यानी सिंपली आपका ऑपरेशन डिवाइड करना। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर लास्ट जो एस है आपके बोर्ड मैथ्स में, दैट इज स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हमें पता चल गया कि बोर्ड मैथ्स के अंदर जितने भी आपके लेटर्स आ रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब ब्रैकेट्स के अंदर क्या है मैं आगे आपको बताता हूं। अब ऑर्डर के अंदर क्या है, कैसे है ऑपरेशन, तो सिंपली है। अब बार एंड ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह के आपका ये बार और ब्रैकेट्स मिलते हैं, समाल, कर्ली एंड देन आपके स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन आगे हम इनको भी देखते हैं कि इनके क्या क्या नेम है या कैसे हम रीड आउट करना है। ऑर्डर के अंदर स्टूडेंट, जैसे मैं बता चुका हूं कि ये ऑर्डर के अंदर जैसे टू की पावर थ्री है, ए की पावर टू है, ए की पावर थ्री है, तो ये इस तरह आपका स्क्वायर भी आ सकता है, किसी नंबर का क्यूब भी आ सकता है, तो ये ऑर्डर में ही होगा। यानी इसी तरह एक्सपोनेंट, स्क्वायर एंड क्यूब, एक्सपोनेंट आप मतलब पावर किसी भी नंबर की, तो ज़रूरी नहीं है आपके पावर टू या थ्री हो, इससे बड़ी पावर भी हो सकती है। तो डिवीजन का साइन एंड मल्टीप्लीकेशन और देन एडिशन आपका और देन सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि बोर्ड मैथ्स रूल के अंदर जितने भी लेटर हैं वो स्टैंड फॉर दैट दैट, अब उनके फिर साइंस क्या हैं, ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट किस तरह की आपको नज़र आएगी, तो मैंने आपको स्टूडेंट्स ऑर्डर के अंदर क्या, तो ऑपरेशन भी बता दिए। अब हम इनको भी खोलेंगे जो हमारे ब्रैकेट्स हैं या बार है, इनके क्या नेम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा बार है इनका नेम क्या है, इसे कहते हैं विनकुलम या बार, ठीक है, विनकुलम और बार। इसका नेम स्टूडेंट्स पेरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट, और ऑर्डर के अंदर जब हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को ही ओपन करते हैं, पहले विनकुलम और देन स्मॉल ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमारी स्टूडेंट्स क्या है, ब्रेसिस, या इसका नेम है कर्ली ब्रैकेट्स। ये स्टूडेंट सिंपली आपका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट।
तो हर एक ब्रैकेट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा आपकी कहीं एक्सप्रेशन आ गई है, उसमें आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट हमने विनकुलम जिसको बार कहते हैं, देन हमारी स्मॉल ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इस ऑर्डर के अंदर हमने अपनी एक्सप्रेशन को क्या करना होता, सिंप्लीफाई करना होता। अब स्टूडेंट्स, हमने बोर्ड मैस रूल को तो देख लिया, बी स्टैंड फॉर वट, ओ एंड देन एस तक। अब वही बोर्ड मैस रूल को यूज़ करते हुए ये इतना बड़ा आपका क्वेश्चन जो लग रहा है कि बहुत कैसे ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो सो इजी। हमने एक ऑर्डर के साथ स्टूडेंट्स चलना है और एट द एंड हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर। तो आएं देखते हैं, ये एक एग्जांपल है, हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन के अंदर आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखिए। जिस तरह मैंने कहा कि हमने विनकुलम से स्टार्ट करना है, बार से स्टार्ट करना है, तो आपने पूरे क्वेश्चंस में बार पे जाना है, ये बार है, बाकी आप सारा एज इट इज लिखते जाएंगे। तो बार हम क्या करना चाहते हैं, एट में से थ्री को सबट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सिंपली जब एट में से मैं थ्री को सबट्रैक्ट करूंगा, अब मैं सबट्रैक्ट ऐड या डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं बताऊंगा, इसलिए कि इसी यूनिट के अंदर हम ये सारे अपने लेक्चर स्टूडेंट्स क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप सो कि 8 में से 3 निकालना मेरे स्टूडेंट्स को आता होगा। सो इसलिए 8 में से 3 को सबट्रैक्ट करें तो आंसर इज 5। अब हम आगे स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर स्टूडेंट्स, तो देन आप सारे क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, जहां जब पहुंचेंगे तो आपका साइन मल्टीप्लाई है, आप ब्रैकेट्स के अंदर 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर 90 मिलेगा। तो हेयर इज 99 आर रेडी। आप सारे क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, इस 99 में से ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 99 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आता है? हाँ आता है मेरे स्टूडेंट्स को 9। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 9। तो यहाँ 144 देन डिवाइड और 9। जब 144 को हम 9 पे स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे, आर रेडी, हम डिवीजन भी पढ़ चुके हैं, आप बिल्कुल आपको आता होगा क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं इसलिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 16। अब एंड पे हमारे पास दो ऑपरेशन रह गए, एक सब्ट्रैक्शन का, एक एडिशन का। अगर बोर्ड मैस रूल के अंदर आप देखें तो पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले क्या करेंगे, 16 को ऐड करेंगे 629 में, जब ऐड किया तो 645। अब एक ही लॉस्ट ऑपरेशन रह गया जिसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 645 को 215, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर स्टूडेंट्स मिलेगा 430, जो लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन, देख लिया ना, बहुत सिंपल है ना। यही बात है, जब एक मैथमेटिक्स का एक रूल ये है कि जब एक दफ़ा आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये माइंड में नहीं बिठाना कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कैसे होगा। जो आप रूल्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनको यूज़ करते हुए अगर आप चलते जाएंगे तो आपको कभी भी अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। हम एक और एग्जांपल भी स्टूडेंट्स लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। देखिए इसमें डेसिमल, अब हमारा एसएलओ बोर्ड मैस रूल है, अब वो इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई करें, डेसिमल के ऊपर अप्लाई करें, फ्रैक्शंस के ऊपर अप्लाई करें, तो ऑन द सेम लाइन ही आप अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारा यूनिट जो है वो लॉ ऑफ इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स के अंदर हमारा ये छोटा सा टॉपिक डेसिमल का भी है, और डेसिमल को कैसे आपने, अगर डेसिमल के अंदर नंबर्स हैं जिसके अंदर आपको पॉइंट आ जाता है, होल पार्ट होता है, देन डेसिमल पार्ट होता है या फ्रैक्शनल पार्ट, तो इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल आप ये देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम कह चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर कि हमने विनकुलम यानी बार को अटैम्प्ट करना होता है, तो हेयर इज विनकुलम आप देखें, तो इसलिए मैंने नंबर्स को रेड में लिखा है। ये 100.65 है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 99.15, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1.5। आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1.5। अब 1.5 में यहाँ हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, तो 1.1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1.65। यानी हमने स्मॉल ब्रैकेट में बताया कि एज इट इज़ आपने सारे क्वेश्चंस को लिखना है, जहाँ आपका करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन है जिसको आपने ऑर्डर के अंदर पहले अटेम्प्ट करना होता है, तो वहीं तक आप जाके स्मॉल ब्रैकेट है या विनकुलम है, हमने उसको स्टूडेंट्स क्या करना होता है, अटेम्प्ट। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.65 और हेयर 1.90 और 1.90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 0.25,
और 0.25 में यहाँ एडिशन है। अब हम स्क्वेयर ब्रैकेट पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ हम स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो हमारा 10.45। और देन अब देखें, अगर बोर्ड मैथ्स को देखेंगे तो अब मल्टीप्लाई पहले आएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर मिलेगा 14.63। देन लास्ट हमारा जो ऑपरेशन रह गया स्टूडेंट्स एडिशन, नाउ वी हैव टू ऐड 5.24 विद 14.63 एंड वी गेट 19.87। अब स्टूडेंट्स ये तो सिंपली है। हाँ, जहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि ये तो अब डेसिमल के अंदर है, ऐड सेपरेट या मल्टीप्लाई, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ऐड करना कैसे है। अब फॉर एग्जाम्पल 1.2 है, 1.2। अब अगला भी आपका कोई डेसिमल के अंदर नंबर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 2.5 है, तो स्टूडेंट्स या 12.5 मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ, तो स्टूडेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए डेसिमल के नीचे, डेसिमल यानी पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट, और राइट साइड पे जितने मर्जी आपके फ्रैक्शनल पार्ट्स के अंदर नंबर हैं या आपके होल पार्ट्स के अंदर, तो एज इट इज लिखना। एक है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आपने लिखना है। देन ऐड सिंपली उसी तरह आप 5 को ऐड करेंगे, 2 में 7 आ गया। अगर फॉर एग्जांपल कैरी होता तो आप नेक्स्ट दे देते, बट कैरी नहीं है तो सिंपली आप 1 को ऐड करेंगे, 2 में 3 एंड 1 आपका एज इट इज आ गया, तो पॉइंट की जगह आप पॉइंट ही लगा लें। इसलिए 12.5 को जब आप ऐड करेंगे 1.2 के अंदर, स्टूडेंट्स आंसर हमारा क्या होगा, 13.7। मल्टीप्लाई करना है, अगर फॉर एग्जांपल आप इसको इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने समझना है पॉइंट नहीं है, जब मल्टीप्लाई करेंगे एट द एंड आप ऐड कर लेंगे। सिंपली ये देखना है कि जिस तरह फर्स्ट नंबर के राइट साइड पे कितने डिजिट हैं, एक है, और सेकंड नंबर के भी पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, एक है, इन दोनों डिजिट्स को ऐड किया तो हमारा 2। जो भी ऐड मैं मतलब कह देता हूँ कि 1, 2, 3, 5, 6 फॉर एग्जांपल मेरा आंसर निकलेगा, तो पॉइंट मेरे चूँकि राइट साइड पे दोनों डिजिट्स जिनको मैं, दोनों नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ राइट से लेफ्ट 2 डिजिट्स के बाद क्या लगा दूंगा, पॉइंट। तो स्टूडेंट ये सिंपली आपका डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो सिंपली मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना। अगर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर रिसोर्सेज की हम बात करें तो फर्स्ट इज वर्कशीट, सेकंड वन इज़ द क्वेश्चन बैंक, एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान, एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा आज का लेक्चर, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया है कि वेरी इंटरेस्टिंग बोर्ड मैथ्स रूल, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन को इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं आज के बाद, और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।